वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जे क्लोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जे क्लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान बीएस नर्सिंग प्री एग्ज़ाम 2020 के बारे में। अगर आपको राजस्थान में बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या रहता है ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है ताकि ये हमारे लिए हेल्पफुल रहे, उस प्रकार से हम प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं राजस्थान में बी एस नर्सिंग कोर्स में एडमिशन तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे इसके फॉर्म रिलीज हो जाए, जैसे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए आपके मोबाइल पर। सो स्टूडेंट, जान लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2020 में किस मंथ में भरे जाएंगे, और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सभी को हम जान लेते हैं, तो चलिए। सो स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2020 को इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि संभावित तिथि है। फॉर्म इससे पहले भी भरे जा सकते हैं, लाइक अगस्त मंथ में भी भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा फिर हमारे पास, तो मैंने बोला ना चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने मेरा और बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो जैसे अगर मई में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, कभी भी आए एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा है, जैसे फॉर्म आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बट इसकी जो संभावित तिथि है आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको कौन से मंथ में एक्टिव रहना है। इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो 2019 में कब भरे गए थे हमारे, सितंबर में भरे गए थे, सीधी सी बात है। और इससे पहले 17-16 में कब रह गए थे, जून में भरे गए थे, सीधी सी बात है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और 2020 में कब भरे जाएंगे, अगस्त सितंबर में ही भरे जाएंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, लेट ही भरेंगे इस मंथ, इस साल, क्योंकि 2020 में क्या है, COVID-19 का प्रकोप ज़्यादा है, महामारी ज़्यादा फैल चुकी है, तो इसलिए सारे एग्ज़ाम जो कि स्थापित हो चुके हैं, तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये भी लेट ही होएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अगर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो जैसे डेट आएगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, सितंबर मंथ में, और इसके बाद लास्ट डेट जो रहता है इसका, एक महीने तक इसके फॉर्म की ऑनलाइन रहता है, उसके बाद साइट बंद हो जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आप किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप रहती है वो रहती है एडमिट कार्ड की, इसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर अवेलेबल हो जाएगा एडमिट कार्ड का। ठीक है, वो जाके आपको निकलवा लेना है, वो अक्टूबर मंथ में रिलीज हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी डेट आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो है सेकेंड वीक अक्टूबर 2020। ठीक है, 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसके 15 दिन बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर जयपुर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद आंसर की आती है, 2 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाती है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आंसर की आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आप एग्ज़ाम देख के आओगे, उसके 2 दिन बाद ही आपको आंसर की मिल जाएगी, और उसके 2 दिन बाद ही आपको, जैसे आंसर किया है उसके 2 दिन बाद ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन था, इसलिए रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, इसका आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। सो स्टूडेंट, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाता है, हमको ज़्यादा वेटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम एक्साइटेड रहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो परिणाम है, वो जल्द से जल्द हमको शो हो जाए। ठीक है, ताकि उसके अनुसार हम कोई भी एक्शन ले, कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, किसी और फील्ड में जाना है या फिर इसी मेडिकल फील्ड में जाना है, जो भी आपके अंदर थॉट है। तो ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, सितंबर मंथ में होते हैं, और इसके अक्टूबर में हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, और उसी में हमारा रिजल्ट और आंसर की हमको मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर हमको राजस्थान से बीएस नर्सिंग करनी है तो हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो उसकी बात हम कर लेते हैं।
सो स्टूडेंट, अगर आप भी राजस्थान से बी एस सी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी बात हम कर लेते हैं। अगर हम निवासी की बात करें कि आपके कहाँ के निवासी होना चाहिए, तो इसमें जो दिया हुआ है वो राजस्थान के मूल निवासी इसमें अप्लाई कर सकता है। बट स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, अगर आप राजस्थान से किसी अदर स्टेट से हो, ठीक है, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है इसमें दिया हुआ है, बट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा, बट अप्लाई कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। 10 साल हो गए, 10 साल से जितने भी हमारे एडमिशन हो रहे थे बाहर के भी आ रहे थे और अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। हाँ, उनके लिए अलग से सीट का क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, 15% कोटे के अंतर्गत उसको रखा जाता है और 85 जो मिलता है वो राजस्थान वालों को मिलता है। तो इस कुछ ऐसा प्रकार का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 85% है तो राजस्थान वालों को मिलेगा और 15% ओदर स्टेट वालों को, तो ओदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम ओदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए 12th में, ठीक है ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमारे पास मैथमेटिक्स है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी आपके पास होना चाहिए 12th में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई मार्किंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो थी बट हमारी परसेंटेज कुछ लो थी, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो स्टूडेंट, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ओबीसी जनरल वालों के लिए 45% होना चाहिए मिनिमम, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए ओनली 40%, ठीक है ना, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे कम परसेंटेज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आप ओबीसी जनरल में आते हो तो आपके 12th में 45% होना अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपके 40% खूब है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और क्वालिफाई मार्किंग की। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एज 15 या 16 साल है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, 17 ईयर्स से ऊपर वाले या फिर 17 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये एज का क्राइटेरिया इसमें कुछ इस प्रकार से है, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन सभी को मिला के 45% होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हमारे टोटल परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। आपके जो 45% होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन सब्जेक्ट को मिला के होना चाहिए, ना कि कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश को, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की परसेंटेज आपको देखना है, ठीक है ना, टोटल परसेंटेज आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपके जो मार्कशीट में शो हो रही है वो कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश इन सभी को मिला के शो हो रही है, तो उनको नहीं देखना है, आपको ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की परसेंटेज देखनी है, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन की बात हो गई है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो किस प्रकार से होने वाला है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्किंग कितनी होगी? हमारा जो पेपर रहेगा वो 100 मार्किंग का होगा, ठीक है। तो हम बारीकी से देख लेते हैं। क्वेश्चन टाइप MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्किंग, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्किंग, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एग्जाम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि हमारा जो पेपर है वो किस लैंग्वेज में होगा, क्या सर ये इंग्लिश में ही होगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके सामने होगी। जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है उसको रीडिंग करके आंसर देने का प्रयत्न करें, ठीक है। और मार्क की बात करें तो इसमें
करेक्ट ऑप्शन पर 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट पर आपको नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ऑल क्वेश्चंस, ताकि पता नहीं कौन सा सही हो जाए, ठीक है ना। नहीं भी आ रहा है तो भी आपको करके आना है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन सारे करके आने, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट रह गया हो तो फिर भी पूछ सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि किस प्रकार का पेपर आता है, तो मैं तो कहता हूँ पेपर देख लो आप। अब आप बोलेंगे सर कहाँ देखे पेपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख लो पुराना पेपर। पुराना पेपर जितना देखोगे ना उतना सही रहेगा आपके लिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर बेस्ट रहता है, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इस प्रकार का पेपर आने वाला है, तो उस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पुराना पेपर देख लेते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेते हो। तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पुराना पेपर देख लीजिए आप, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी उसको देख के, ठीक है ना। और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी पूछना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। अगर आपको पुराना पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पुराना पेपर रिसीव कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, थैंक यू।